हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आ पाई थी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है, 17,000 स्टूडेंट्स के लिए 6.28 करोड़ का बजट पास हुआ है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे ये 6.25 करोड़ का जो बजट है वो किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी अभी तक स्कॉलरशिप या फिर फीस वापसी नहीं हुई, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको उस न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ और कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ कि क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है latestbharti.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं latestbharti.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। हम यहाँ से साइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, जहां पर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकेंगे। तो यहां पर हम नीचे आ जाते हैं, यहां पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, अनुसूचित जाति के 17,000 छात्रों को वजीफा जल्द। जी हां दोस्तों, यानी कि अनुसूचित जाति के 17,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का जल्द लाभ मिलने वाला है। मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूं कि क्या न्यूज़ है। सरकार अनुसूचित जाति के कक्षा 9 और 10 के 17,000 विद्यार्थियों को एक सप्ताह में वजीफा देगी। पहले आपको मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है और वो एक सप्ताह में दी जाएगी। ये न्यूज़ 2 दिन पुरानी है, हो सकता है जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये वे विद्यार्थी हैं जिनका पिछले स्तर में बजट की कमी के कारण भुगतान नहीं हो सका था। ये राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। स्तर 2019-20 में कक्षा 9 व 10 के 5.28 लाख विद्यार्थियों को 144 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बजट समाप्त होने से 17,000 विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं पा सके थे। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इन विद्यार्थियों के लिए 6.30 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। शीघ्र ही छूटे छात्रों के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2019-20 में कक्षा 9 व 10 के स्टूडेंट्स के लिए 144 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया था, जिसमें 5.28 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिल गया था, मगर 17,000 स्टूडेंट्स रह गए थे, जो कि अब 6.28 करोड़ यानी कि 6.30 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है, जिससे 17,000 स्टूडेंट्स को लाभ मिल जाएगा। मगर मैं आपको यहां पर एक बात फिर से क्लियर कर देता हूं, यहां पे जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, अभी पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन वालों को नहीं दी जाएगी, जिनका बजट के कारण अभी तक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है। केवल और केवल 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आती है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वालों की, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। और हो सकता है नेक्स्ट वीक आ रहा है मंडे से संडे के बीच में आपका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। मैक्सिमम 10 से 15 दिन में आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।